ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है। इसमें हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हम टेबल से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन प्रोबेबिलिटी के बजाय हमें ये एक इंटरवल गिवन होता है, उसमें देखते हैं कि हम ये वैल्यू लाइज कर रही है, हमारी सैम्पल से टी कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज कर रही है या नहीं कर रही। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि एक फर्म है, पूरी कंपनी के बारे में ये बात कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो ये क्लेम करती है कि उनकी बैटरी की एवरेज लाइफ जो है वो 30 आवर्स है, यानी ये पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये कि उनकी जो पॉपुलेशन जो एवरेज लाइफ है इनकी बैटरी की वो 30 आवर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 आवर्स तक वो चलेगी। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 16 बैटरीज का एक सैंपल लेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर उससे जो हमारे पास टी वैल्यू जो निकलेगी वो अगर इस इंटरवल के बीच सेंटर में कहीं लाइज कर रही है, इसके दरमियान कहीं लाइज कर रही है इस इंटरवल के दरमियान, तो इसका मतलब है इनका क्लेम एक्सेप्टेबल है। अगर इससे बाहर कहीं लाइज कर रही है तो इसका क्लेम जो होगा वो रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, व्हाट कंक्लूजन शुड द फर्म ड्रॉ फ्रॉम अ सैंपल डेट, ये सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं, सैंपल डेट हैज मीन एक्स बार इज इक्वल टू 27.5। तो ये एक्स बार आपको जो गिवन है, ये क्योंकि इन्होंने सैंपल से बात स्टार्ट करी है तो इसका मतलब है ये सैंपल मीन कहलाएगा, ठीक है। 16 बैटरीज का सैंपल लिया और फिर ये सैंपल मीन की बात कर रहे हैं तो ये सैंपल मीन एक्स बार कहलाएगा। इसी तरह इस सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो स्टैंड डेविएशन इन्होंने दिया हुआ है 5 आवर्स, तो स्टैंड डेविएशन जो है ये 5 आवर्स कहलाएगा, सैंपल का स्टैंड डेविएशन कहलाएगा ये। तो अब ये जो आपके पास कंडीशन बन रही है जिसमें हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि ये इस रीजन में लाइज कर रही है नहीं कर रही, तो उसके लिए टी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास टी अप्लाई करने की कंडीशन बन रही है नहीं बन रही। तो ये हमारे पास सैंपल साइज जो है, एक तो 30 से स्मॉल है सैंपल साइज, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, एक तो 30 से स्मॉल सैंपल साइज होना चाहिए तो टी टेबल लगता है, और आपके पास पॉपुलेशन वेरियंस अगर अननोन हो, पॉपुलेशन सेंटिवेशन अगर आपके पास अननोन हो तो फिर आप जो है ये टी टेस्ट लगाते हैं। ये दोनों कंडीशन जो एक साथ जो है वेरीफाई होनी चाहिए ये, ठीक है, तो फिर आप टी टेबल लगाते हैं, वरना ये जी से फिर आप जी टेबल यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान होता है जी कैलकुलेट करना, उसमें प्रॉपर्टीज भी आप हर किस्म की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है। तो इस वक्त जो है ये दोनों कंडीशन वेरीफाई कर रही है कि ये इसमें टी टेबल ही लगेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक क्रिटिकल रीजन बना लेते हैं जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो क्रिटिकल रीजन इन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो लेफ्ट साइड पे 0.25 एरिया कवर हो रहा होगा और राइट साइड पे भी 0.025 एरिया जो होगा वो कवर हो रहा होगा, यानी कि 2.5% एरिया लेफ्ट पे और 2.5% एरिया राइट पर कवर होगा। इसका मतलब है कि ये टोटल 5% एरिया जो हमने ये निकाल दिया, और 5% जो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाएगा ये। तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं टी टेबल से। ये आ गया टी टेबल। टी टेबल का जो ग्राफ होता है, जो हमें टेबल जो होता है इसका ग्राफ में देखेगा कि राइट साइड का एरिया शेडेड रीजन हुआ होता है। इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू देगा ना, ग्रेटर देन की वैल्यू देगा। प्रोबेबिलिटीज जो है, ये एरिया अंडर द कर्व जो है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी देगा। आप किसी भी पॉइंट पे टी की कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ग्रेटर देन का आंसर दे रहा होगा वो। तो ये जी टेबल से बिल्कुल डिफरेंट है, जी टेबल लेस देन का आंसर देता था और ये टी टेबल आपको ग्रेटर देन का आंसर देगा। इसी तरह ये सेंटर में आपके पास जी टेबल में क्या होती थी, प्रोबेबिलिटीज होती थी, लेकिन इसमें आपके पास सेंटर में क्या है, ये आपके पास टी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी, और ये बहुत लिमिटेड हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं कि जिनको हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे, जिनका टेबल बनाया हुआ है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या चल रहा है यहाँ पर, ये 30 तक डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रहा है कंसेक्यूटिव, उसके बाद फिर ये 40, 50, 60 और फिर ये 100 और 1000 तक चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई वेरिएशन इतनी खास हो नहीं रही होती, फिर वो अप्रॉक्सीमेट जी के बराबर ही आ जाता है आपके पास टी टेबल। तो इसमें देखेंगे हमने 0.025 प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें 0.025 प्रोबेबिलिटी चाहिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या था, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1 होता है। तो 16 माइनस 1 करेंगे, n जो आपके पास 15 है, तो 16 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो डिग्री
डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 15 आ गया, तो इस पे जो वैल्यू आ रही है 2.313 आ रही है। अब ये वैल्यू जो है 2.131 जो वैल्यू है ये आपके पास ग्रेटर देन की आई है ये। अब अगर आपको पता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू आपने अगर लेस देन का फाइंड आउट करना है और परसेंटेज भी सेम है तो बिल्कुल सेम वही टी की वैल्यू भी सेम वही होगी और सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होगा। तो अब ये इंटरवल मेरे पास बन गया है, इस इंटरवल के अंदर अगर हमारे पास सैंपल की टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है ना तब तो इनका क्लेम एक्सेप्टेबल है, वरना इनका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे हम। तो कंप्यूटर टी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सैंपल से। तो टी सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन अंडर रूट एन। एस जो था आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप इसमें टी वैल्यू यूज कर रहे हैं, टी सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। तो इसमें सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें। तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद टी की वैल्यू जो आ रही है आपके पास सैंपल से, कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है ये सैंपल से जो आ रही है, माइनस टू आ रही है। अब ये माइनस टू हम देखते हैं इस रीजन में लाइज कर रहा है, एक्सेप्टेबल रीजन में लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ आपके पास माइनस वन होगा, उसके बाद फिर माइनस टू आएगा, और फिर उसके बाद फिर आपके पास आएगा माइनस टू पॉइंट वन थ्री। तो इसका मतलब है कि ये जो है इस रीजन में लाइज कर रहा है जो इन्होंने रीजन दिया था। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये इनका क्लेम जो है वो सही है, वो 30 आवर्स ही है, जो इनकी एवरेज लाइफ होती है बैटरी की वो 30 आवर्स ही है। वैसे देखने में तो ये कम नज़र आ रही है हमें 27.5, तो ये लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है, सैंपल पे भी डिपेंड करता है कि कितना सैंपल दिया, और इस पर भी डिपेंड करता है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है कि डेटा के अंदर वेरिएशन कितनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक जो है प्रोसीजर है जिसमें ये पैकिंग करते हैं 500 ग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ रॉ मटेरियल ये पैक करेंगे। तो ये पूरी कंपनी के बारे में ही क्लेम कर रहे हैं ये पॉपुलेशन मीन इन्होंने दिया हुआ है। तो ये म्यू जो आ जाएगा आपके पास 500 आ जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि ये सही है या गलत है, ये जो क्लेम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, उसके लिए क्या करेंगे, 25 का आप ये सैंपल पिक करेंगे। 25 का सैंपल पिक किया और फिर आप क्या करेंगे, व्हाट कंक्लूजन शुड ड्रॉ फ्रॉम अ सैंपल, सैंपल्स की बात इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो ये मीन जो होगा आपके पास सैंपल मीन कहलाएगा, और उसी को सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा ये। तो ये सारी बातें मैंने लिख ली। अब फाइंड आउट, अब सबसे पहले क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लें। क्रिटिकल रीजन इन्होंने दिया हुआ है कि इसके अंदर लाइज करना चाहिए 10% जो है इन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया, यानी 5% राइट पर और 5% लेफ्ट पर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जाके टी वैल्यू से 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है वो देख लेते हैं, 25 है तो 25 माइनस 1 करेंगे, 25 माइनस 1 करा तो ये 24 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0.05 ये आ गया, और 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1.711 ये वैल्यू मिल रही है, 1.711 ये वैल्यू मिल रही है। तो ये मैं सबसे पहले राइट साइड पे लिखूंगा और नेगेटिव करके उसको लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा, तो ये मेरे पास इंटरवल बन गया। अब टी वैल्यू मैं सैंपल से कैलकुलेट करूंगा, तो सैंपल से जो मेरे पास टी वैल्यू आ रही है वो 2.25 आ रही है। अब ये कहाँ पे लाइज कर रही है, ये इस इंटरवल से बाहर जा रही है, तो इंटरवल से कितना बाहर जा रही है, काफ़ी दूर जा रही है। ये यहाँ पे कहीं आपके पास आएगा 2, और फिर उसके बाद फिर 2.25 यहाँ कहीं आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो अब ये वैल्यू आपके पास कहाँ जाके रिजेक्ट हो रही है, ये जो है आपके पास इनके रीजन जो बताया था उन्होंने उससे बाहर जा रही है। इसका मतलब है कि इनका हम लोग क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। सैंपल को देख के भी थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि ये आपके पास 500 मीन इन्होंने क्लेम करा हुआ है, और ये जब आप चेक करते हैं तो 518 ग्राम निकलता है, यानी कि ज़्यादा निकलता है, एवरेज में इतना ज़्यादा आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये इनका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, कि ये गलत बता रहे हैं कि 500 पैक करके दे रहे हैं जबकि उससे ज़्यादा पैक करके देता है। तो ये फेवरेबल क्लेम भी है ये। इसको इस तरह से भी देख लें कि अगर आपके पास यहाँ पे राइट साइड पर जाके रिजेक्ट हो रहा होगा, इसका मतलब है कि जो उन्होंने मीन बताया ना उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है आपके पास सैंपल की। और अगर ये लेफ्ट साइड पर जाके रिजेक्ट होगा, इस साइड पर यहाँ कहीं जाके रिजेक्ट होगा, नेगेटिव वैल्यू बन के जाके कहीं रिजेक्ट होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि उन्होंने 500 मीन बताया और वो कम, उससे कम वैल्यू सैंपल से उससे कम वैल्यू पैक करके दे रहे हैं, वो 480 पैक करके दे रहे हैं या 490 पैक करके दे रहे हैं इस तरह से।
तो इस तरह